Dear students, assalamu alaikum. Welcome to the lecture 23 of computer architecture course. In last class, basically we wrapped up our discussion on arithmetic. Last class mein humne floating points ke bare mein discuss kiya. Floating points ke bare mein, just to recap, हम ये देखते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो है क्या. फ्लोटिंग पॉइंट में हम उस नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं जहाँ पे के जो डेसिमल पॉइंट है या जो पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट है दैट हैज़ वेरिंग पोजीशन, यानी नंबर्स जो हैं दे आर नॉट इन इंटीजर फॉर्म, उसमें फ्रैक्शंस जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं. उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कन्वर्जेंस करते हैं, दिस वी सॉ इन लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स. उसके बाद वी डिस्कस्ड एक्चुअली इन डिटेल IEEE स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग सिंगल प्रिसीजन, और उसको हमने डबल प्रिसीजन के ऊपर भी देखा कि हाउ एक्चुअली इट इज रिप्रेजेंटेड इन डबल प्रिसीजन, हाउ इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड इन डबल प्रिसीजन नंबर्स. सिंगल प्रिसीजन में वी हैव 32-bit सिंगल प्रिसीजन में हमारे पास 32-bit डाटा होता है, जिसमें के जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है दैट रिप्रेजेंट्स साइन बिट. हमारी बेसिक कन्वेंशंस के मुताबिक ज़ीरो जो है दैट रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव नंबर, और जो वन है दैट रिप्रेजेंट्स अ नेगेटिव नंबर. उसके बाद जो 8 bits हैं दे रिप्रेजेंट एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड इन एक्सेस 127 कोड. यानी जो एक्सपोनेंट है हम कैलकुलेट करते हैं बाई ई प्राइम माइनस वन, ई इज इक्वल टू ई प्राइम. एक्सपोनेंट जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई ई प्राइम, और इसको हम एक्सेस 127 कोड में लिखते हैं. इसका मतलब ये है कि हमने जो एक्सपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है दैट इज कैलकुलेटेड बाय दिस ई प्राइम माइनस 127. इसका मतलब ये है कि 8-bit नंबर के अंदर वट एवर नंबर वी आर यूजिंग उसमें 127 ऐड हुआ है. तो हमने जब भी 2 की एक्सपोनेंट का कैलकुलेट करनी होती है वी यूज दिस रिलेशनशिप. इसके अलावा इसमें स्पेशल वैल्यूज हैं जो कि ज़ीरो है, प्लस माइनस इन्फिनिटी है, इट्स नॉट अ नंबर, और ग्रेजुअल अंडरफ्लो के लिए वी हैव द नंबर विच इज़ स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो कि ग्रेजुअल अंडरफ्लो के लिए हम यूज़ करते हैं. तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी लर्न अबाउट सिंगल प्रिसीजन. डबल प्रिसीजन में एवरीथिंग इज़ सेम, साइन बिट रिमेन्स द सेम, जो एक्सपोनेंशियल है दैट इज़ नाउ 11-bit और इट हैज एक्सेस 1023 कोडिंग. यानी ई इन दिस केस विल बी कैलकुलेटेड बाई ई प्राइम माइनस 127. सो दिस वे वी बेसिकली कैलकुलेट द नंबर मेंटेसा. इसमें रिमेनिंग 52 bits जो होंगी वो मेंटेसा की होंगी, ऑब्वियसली विच विल प्रोवाइड अस मोर विड्थ ऑफ मोर विच एक्चुअली, दोबारा से कर रहा हूँ, जो मेंटेसा है दैट विल बी 52 bits वाइड, जो कि हमें ज़्यादा प्रिसीजन देगा इन विच इज़ इन 64 bits, इसलिए इसको डबल प्रिसीजन कहते हैं. उसके बाद हमने फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक्स की थोड़ी सी बात की. अरिथमेटिक चूंकि इंटीजर्स के लिए हम कर चुके थे, और इसमें हम डेसिमल वैल्यूज़ को डायरेक्टली चूंकि इस्तेमाल नहीं कर रहे, वी आर हैंडलिंग आवर अरिथमेटिक सेपरेटली. यानी साइन को हम सेपरेटली हैंडल करते हैं, एक्सपोनेंशियल को सेपरेटली हैंडल करते हैं, और मेंटेसास को सेपरेटली हैंडल करते हैं ऑफ द ऑपरेंड्स ऑफ कोर्स. अगर हमने एडिशन करनी है तो वी डिटरमिन के किस जो कौन सी पावर है, किसकी एक्सपोनेंट जो है दैट इज लार्जर, उसके अकॉर्डिंगली वी शिफ्ट, और
हम शिफ्ट करके दोनों की जो एक्सपोनेंट्स है उनको इक्वलाइज कर देते हैं, विच इज नाउ द एक्सपोनेंट ऑफ द रिजल्ट. उसके बाद मेंटेसस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड वी नॉर्मलाइज इफ इट इज नेसेसरी. नॉर्मलाइजेशन बेसिकली वो ये है कि हम एवरी जो हमारा नंबर है दैट स्टार्ट्स विद वन पॉइंट 1.01 एटसेट्रा, इस किस्म के रिप्रेजेंटेशन हम लिखेंगे. वी विल नॉट राइट लीडिंग जीरोज इन डेसिमल फॉर्म. तो इसको हम नॉर्मलाइज करने के लिए नॉर्मली वी मूव दिस डेसिमल पॉइंट टू दिस वैल्यू. तो हम आंसर्स को हमेशा नॉर्मलाइज करके देन वी विल राइट इट बैक इन आवर जो पोजीशन हमने की हुई है रखी हुई है उसके लिए. इसी तरह से जब हम मल्टीप्लाई एंड डिवीजन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट्स आर एडेड, उसमें इक्वल एक्सपोनेंट्स करने का कोई ज़रूरत नहीं होती हमें. एक्सपोनेंट्स आर एडेड और मेंटिसस को ऐड करते हैं, फाइनली हम रिजल्ट्स को नॉर्मलाइज करके वी राइट इट बैक. इन डिवीजन द एक्सपोनेंट्स गेट सब्ट्रैक्टेड और उनके अंदर इसी तरह से हम मेंटिसस को डिवाइड करते हैं एंड वंस वी गेट द रिजल्ट हम उसको देखते हैं कि इज देयर एनी नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन. हम नॉर्मलाइज करते हैं और रिजल्ट्स को वापस स्टोर कर देते हैं. तो दिस बेसिक हमने एक ये निकाल दीजिएगा. वी लास्टली वी एक्चुअली सॉ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अरिथमेटिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो कि सिंपल थी. ज़रा गो के ब्लॉक डायग्राम उसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है बट इट्स ऑपरेशन इज़ वेरी सिंपल. तो वो भी हमने देखा, उसमें हम वही स्टेप्स कर रहे हैं. उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से है, कहाँ पे हम शिफ्टिंग करते हैं, कैसे शिफ्टिंग डिसाइड करते हैं, साइन किस तरह से डिसाइड करते हैं, दैट इज़ ऑल कवर्ड इन दैट सिंपल सर्किट. उसके बाद हम आज का जो एजेंडा है हमारा, हम लास्ट क्लास में भी मैंने जिक्र किया था कि वी विल बी स्टार्टिंग मेमोरीज इन द नेक्स्ट क्लास. जो हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम है दैट इज बेसिकली कंप्राइज्ड ऑफ जो फर्स्ट डे वी डिस्कस्ड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के इट हैज सम मॉड्यूल्स लाइक दिस वाज इनपुट यूनिट, हियर वी हैड आउटपुट यूनिट, here we had this jointly called CPU, usme we had arithmetic unit, arithmetic and logic unit, or we had control unit as well. humne input unit ko bhi discuss kiya, humne output unit ko bhi discuss kiya, we discussed control unit ke control signals kaise generate karte hain. aapko yaad hoga के कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड बाई हार्डवायर्ड मेथड, यानी जिसमें कम्बिनेशनल लॉजिक करते हैं, या कंट्रोल स्टोर की मदद से हम उसकी माइक्रो प्रोग्रामिंग कर देते हैं विच बेसिकली जनरेट्स आवर रिक्वायर्ड कंट्रोल सिग्नल्स. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है दैट इज़ अ कम्बिनेशनल सर्किट बेसिकली, जो कि हमें प्रोवाइड करता है अरेंजमेंट फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिक ऑपरेशंस. ऑफ कोर्स लॉजिक ऑपरेशंस जो हैं वो तो सिंपल हैं, एंड और नॉट नॉर एक्सक्लूसिव और एटसेट्रा एक्सक्लूसिव नॉर, ये बेसिक फंक्शंस हैं. इनको तो सिंपल अब सिंपल गेट्स की मदद से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. सो वी डिड नॉट डिस्कस दोज लॉजिक फंक्शंस while implementation of this ALU. हमने arithmetic functions की बात की कि arithmetic functions को हम किस तरह से add करते हैं. हमने बात की कि arithmetics में addition कैसे करते हैं, subtraction कैसे करते हैं, how do we perform multiplication and division, और इनकी fast algorithms क्या हैं, हम किस तरह कम से कम time में ज़्यादा से ज़्यादा arithmetic operations कर सकते हैं. So we have covered all those four parts until now. Now is the final part जो कि memory unit है, जिसको कि हम अब discuss करना शुरू करेंगे from today और next 4 to 5 lectures में we will wrap up our discussion on memories as well.
मेमोरी बेसिकली है क्या, जो मेमोरी है उसकी जरूरत हमें क्यों है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में हमें ये बताया गया या हमने ये सीखा कि जो प्रोग्राम है, जो कंप्यूटर है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के मुताबिक जो कंप्यूटर है, इट हैज़ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर केप्ट इन मेमोरी, और जो प्रोसेसर है वो मेमोरी से उन इंस्ट्रक्शंस को वर्ड बाय वर्ड या इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है। एडिशनली देयर कैन बी डेटा जो कि मेमोरी से हमें लेना पड़ता है। दिस डेटा कैन बी इनिशियल डेटा या इंटरमीडिएट डेटा जो कि हम कैलकुलेशंस के दौरान उसको टेम्परेरीली मेमोरी में से स्टोर कर सकते हैं या रख सकते हैं। तो प्रोसेसर जो है दैट इंटरेक्ट्स विद मेमोरी डायरेक्टली, आईओ डिवाइसेस भी इसके साथ इंटरेक्ट करती हैं। देयरफॉर व्हाट वी डू इज के मेमोरी के बारे में वी मस्ट हैव सम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कि मेमोरी जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, किस तरह से हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और हमारा जो मेन मकसद होगा जो कि एक डिज़ाइनर का मकसद होता है वो ये होगा वाइल डिस्कसिंग मेमोरीज कि हम कम से कम मेमोरी को यूज़ करके किस तरह से ज़्यादा परफॉर्मेंस ले सकते हैं। यानी मेमोरी हमारे पास कम है, कम मेमोरी जो है दैट मींस के वी आर रिड्यूसिंग द कॉस्ट। जितनी हम मेमोरी बढ़ाना चाहें हम बढ़ा सकते हैं अप टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन उसके ऊपर कॉस्ट जो है वो दैट विल बी इन्वॉल्व्ड, कि जितनी आप मेमोरी लगाएंगे उतनी आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। आप भी कभी आपने कोई कंप्यूटर ख़रीदा होगा तो यू मस्ट आस्क कि इसमें रैम कितनी लगी हुई है। इट्स वेरी जनरल क्वेश्चन जो कि हम देखते हैं, और हम ये भी बात करते हैं ये जो है कंप्यूटर स्लो है बिकॉज इसकी रैम बहुत कम है। व्हाई डज दैट हैपन, बेसिकली वो चीज़ है जो कि हम सीखेंगे वाइल कवरिंग दीज टॉपिक्स ऑन मेमोरीज, और उससे यू विल बी एबल टू डिसाइड कि किस किस्म की मेमोरीज हमें यूज़ करनी चाहिए, क्या किस चीज़ का फ़ायदा है। तो इफ़ यू रिमेंबर हमने बात की थी कि जो मेमोरी हायरार्की है कि सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी जो CPU को अवेलेबल होती है, प्रोसेसर को अवेलेबल होती है, दैट इज़ इट्स ओन रजिस्टर्स। अब जाहिर है प्रोसेसर की लिमिटेशंस हैं, इट कैन नॉट हैव मेमोरी लाइक 2GB 1GB की मेमोरी हम प्रोसेसर के अंदर नहीं लगा सकते। वी कैन हैव फ्यू रजिस्टर्स, और अब हमने उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया कि एक कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट है विच इज़ आल्सो एन ऑन चिप मेमोरी, बट इट इज़ वेरी स्मॉल। 256K मेमोरी लगी होगी, 512 KB, हार्डली 1 MB मेमोरी जो है वो कैश में हम लगा लेते हैं, और इवन मोर। बट गिग्स की हमारे जो प्रोग्राम्स के साइजेस हैं दे आर नॉट दैट मच कि हम उनको कैश के अंदर रख सकें। प्रोग्राम साइजेस इन दीज डेज आर वेरी ह्यूज। इफ यू सी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आप देखें तो हाउ मच स्पेस डज इट ऑक्यूपाई इन योर हार्ड डिस्क। हम वो सारे का सारा उस जब हम वर्ड एग्जीक्यूट कर रहे हों तो वो सारे का सारा प्रोग्राम इज सपोज टू बी इन रैम ऑफ द कंप्यूटर। डज इट हैपन? इट डजंट। लेकिन हमें महसूस नहीं होता है कि ये प्रोग्राम का सारे का सारा मेमोरी में मौजूद नहीं है, लेकिन वी डोंट हैव एनी मेल फंक्शंस। हाउ डज दैट हैपन? हमें इन सवालों के जवाब तलाश करने हैं वाइल वी आर स्टडिंग द मेमोरीज। मैंने कैश की बात की, वी विल स्टडी कि कैश जो है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है। मेन मेमोरी की बात करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट द सेकेंडरी मेमोरीज एज वेल
के जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है वो उसकी बात करेंगे. तो मेमोरी के अंदर जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर अबाउट के हमारा मेमोरी का जो साइज है वो क्या होगा. व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ द मेमोरी, व्हाट डिटरमिन्स द साइज ऑफ द मेमोरी, यानी एक प्रोसेसर के साथ हम कितनी मेमोरी जो है वो इंटरफेस कर सकते हैं. एड्रेसेबिलिटी की बात है कि वेदर वी कैन एड्रेस द मेमोरी बिट बाई बिट और बाइट एड्रेसेबल है और इट इज़ वर्ड एड्रेसेबल. बिट इज सिंगल डिजिट, सिंगल बाइनरी डिजिट यानी जीरो या वन, एक सेल जो मिनिमम हम बेसिकली मेमोरी का देखते हैं. दैट इज बेसिक सेल जो कि एक बिट को स्टोर कर सकता है. इज इट फिजिबल कि हम मेमोरी को बिट बाई बिट एक्सेस करें या उसके बाद जो बड़ा यूनिट है दैट इज बाइट, बाइट बाई बाइट. देन वी कैन टॉक अबाउट वर्ड्स, वी कैन हैव 16 बिट वर्ड्स, वी कैन हैव 32 बिट वर्ड्स, वी कैन हैव 64 बिट वर्ड्स एंड मे बी मोर 128 बिट वर्ड्स. तो हम वर्ड बाई वर्ड इनको रीड कर सकते हैं. तो नॉर्मली हमारी जो एड्रेसेबिलिटी है या एड्रेसिंग कैपेबिलिटी है दैट इज एट बाइट्स लेवल. लेकिन हम जो जनरली एड्रेसिंग करते हैं दैट इज एट वर्ड लेवल. हमने जब सीपीयू की एग्जीक्यूशन को देख रहे थे कि सीपीयू कैसे एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम्स को, तो इन दैट वी अस्यूम्ड कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी एट नेक्स्ट वर्ड instead of at next byte. So that is what we should be able to learn ki isme addressing jo hai wo kis tarah se hai. Then how these memories are connected to the processor ya bus ke sath kaise connected hain, that is also another aspect jo ke hum is discussion ke dauran we will learn. ये एक सिंपल सा आर्किटेक्चर है. हमें ये हमने ये सीखा जो प्रोसेसर है इट इंटरैक्ट्स विद आउटसाइड वर्ल्ड यूजिंग MAR एंड MDR. MAR इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर वाइल MDR इज मेमोरी डेटा रजिस्टर. MAR जो है वो एड्रेस भेजता है उस लोकेशन का और MDR जो है वो उसमें डाटा जो है वो आता है या उससे डाटा हम भेजते हैं. यू कैन सी द लिंक्स जो हैं दे आर यहाँ से सिर्फ चूंकि एड्रेस जाना है इसलिए दिस इज वन वे लिंक, के बिट एड्रेसेस हैं. और देन वी हैव एन बिट्स ऑफ डाटा बस, यहाँ से डाटा विल इंटरचेंज दोनों साइड्स पे जाएगा, यानी हम प्रोसेसर से रिजल्ट जो है वो मेमोरी में लिख सकते हैं और मेमोरी से डाटा प्रोसेसर के अंदर ला सकते हैं. एंड देन दीज आर द कंट्रोल लाइंस दैट प्रोवाइड अस हैंडशेक. जैसा कि हमने देखा कि वी कैन जनरेट रीड सिग्नल और राइट सिग्नल. मेमोरी फंक्शन कंप्लीशन के बारे में हम देख सकते हैं कि मेमोरी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई. तो दैट इज़ व्हाट आर द इंटरफेसिंग इश्यूज. अब अगर हम साइज की बात करें तो मैक्सिमम साइज ऑफ अ मेमोरी इज डिटरमिंड बाय द एड्रेसिंग स्कीम. जो एड्रेसिंग स्कीम है वो क्या है. फॉर एग्जांपल 16 बिट एड्रेसेस कैन ओनली एड्रेस 200 एंड इट्स 2^16 लोकेशंस. यानी 16 बिट फॉर एग्जांपल 16 बिट एड्रेस लोकेशन एड्रेस दोबारा से कर रहा हूं. 16 बिट एड्रेसेस कैन ओनली एड्रेस 2^16 विच इज इक्वल टू 65,536 मेमोरी लोकेशंस.
अब अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ बाइट्स ट्रांसलेट करें तो दैट एक्चुअली बिकम्स व्हाट वी कॉल 64 की मेमोरी. इफ यू रिमेंबर, आई डोंट थिंक कि आपने ये नाम सुना भी होगा, दैट वॉज फ्रॉम आवर एजेस व्हेन कंप्यूटर्स वर इवॉल्विंग. तो देर वॉज अ कंप्यूटर जो कि बेसिक पर्सनल कंप्यूटर्स के तौर पे इंट्रोड्यूस हुआ, दैट वॉज कॉल्ड कमोडोर 64 एंड इट हैड बेसिकली इट वॉज कॉल्ड सो बिकॉज इट हैड 64 के ऑफ मेमोरी. उस वक्त तक जो मेमोरीज थी वो 64 के तक अवेलेबल थी. देन द मेमोरीज एक्सपेंडेड और बड़ी मेमोरीज जो हैं वो भी कंप्यूटर्स में लगना शुरू हो गई. बट उसके लिए जो एड्रेसिंग कैपेबिलिटी थी दैट वाज इंक्रीज्ड. यानी उस वक्त तक जो एड्रेस लाइंस थी देवर 16 और उसके बाद देवर इंक्रीज्ड. इन सेम 8086 प्रोसेसर वी हैड 20 एड्रेस लाइंस देन और उससे वी हैड इंक्रीज द मेमोरी टू द 1 मेगाबाइट. यानी हम 1 मेगाबाइट्स मेमोरीज को एक्सेस कर सकते थे विद दोज नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस. तो मोस्ट मशीन्स आर बाइट एड्रेसेबल बट रिट्रीव और स्टोर डाटा इन वर्ड्स. यानी हमारे पास ये कैपेबिलिटी तो है कि हम उनके जो एड्रेसिंग है उसको बाइट लेवल पे एड्रेसिंग कर सकें, लेकिन टू ऑपरेट अ लिटिल बिट फास्टर हम वर्ड्स में बात करते हैं कि हम वर्ड्स में डाटा को रीड या राइट करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव 10 एड्रेस लाइंस और 10 बिट एड्रेस, देन वी विल बी एबल टू हैव 2^10 मेमोरी लोकेशंस विच इज कॉल्ड 1K. 1K इज के स्टैंड्स फॉर किलो और किलो जो है वो रिप्रेजेंट्स 1000 लोकेशंस. बट इन कंप्यूटर्स यू विल सी के हम चूंकि 2 की पावर्स में बात करते हैं तो वी आर नॉट एट एग्जैक्टली 1000. जो 1K है इट इज एक्चुअली इक्वल टू 1024 मेमोरी लोकेशंस. जबकि विदाउट कंप्यूटर्स अगर हम बात कर रहे हो तो नॉर्मल कैलकुलेशंस में द किलो रिप्रेजेंट्स 1000. सो दिस इज व्हाट वी कैन रिप्रेजेंट विद 10 बिट्स, जिसको कि हम एक्सेस कर सकते हैं विद 10 बिट्स या रिट्रीव कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं डाटा विद 10 बिट एड्रेस लाइंस. अगर हमारे पास 20 एड्रेस लाइंस हों तो वी कैन गो अप टू 1 मेगाबाइट. 30 लाइंस के लिए वी कैन गो अप टू 1 गीगा. 40 के लिए अप टू टेरा एंड देन पीटा एंड जीटा वट एवर दे आर. हम उनको इस तरह से एड्रेस कर सकते हैं. सो अगर हमने ये देखना हो कि एक कंप्यूटर जो है वो कितनी मेमोरी एक्सेस कर सकता है तो उसके लिए वी मस्ट सी के हाउ मैनी एड्रेस लाइन्स आर देयर इन दिस कंप्यूटर और उस एड्रेस लाइन्स को यूजिंग दिस रिलेशनशिप. यानी जो वट एवर के इज लेट से के स्मॉल के मैं यूज कर रहा हूं यहां पे, के इज द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स. यानी नंबर ऑफ बिट्स इन एन एड्रेस. तो 2^k जो है दैट विल बी द नंबर ऑफ लोकेशंस जो कि हम के बिट्स के साथ एक्सेस कर सकेंगे. सो दैट इज द साइज इशू. जो कि हम साइज की बात करते हैं कि मेमोरी का साइज क्या हो सकता है, तो ऑल्दो के हम समझते हैं कि द मेमोरीज कैन बी इंक्रीज्ड बट अप टू सर्टन लेवल. सो
अब हम कुछ मेमोरी के करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि मेमोरीज जो हैं उनके अंदर क्या क्या खूबियां खामियां या क्या चीजें हैं जिनको कि हम देखते हैं मेमोरी को सिलेक्ट करने के लिए, किस मेमोरी को हम अच्छी मेमोरी कहेंगे, किस मेमोरी को हम बुरी मेमोरी कहेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हम पहले भी एस्टेब्लिश कर चुके हैं इस बात को कि वी डोंट हैव मेमोरीज दैट ऑपरेट विद द सेम स्पीड्स एज द प्रोसेसर्स डू। यानी प्रोसेसर जो है वो इट रन्स वेरी फास्ट और मेमोरीज जो हैं दे रन लिटिल बिट स्लो। तो उन मेमोरीज की वजह से हमें वी हैव टू वेट, अगर हमारे पास कोई मेमोरी ऑपरेशन होगा तो वी हैव टू वेट फॉर मेमोरी फंक्शन कंप्लीशन सिग्नल, जो कि हम एग्जीक्यूशन के दौरान देख चुके हैं कि जब हम प्रोसेसर से एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शन को और अगर कोई मेमोरी इंटरेक्शन हो रही है तो वी कैन नॉट प्रोसीड अनटिल वी गेट मेमोरी फंक्शन कंप्लीशन फंक्शन, और इस सिग्नल के बाद फिर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मेमोरी जो है, अब कॉमन सेंस हमें ये कह रही है कि दैट मेमोरी विल बी अ गुड मेमोरी जिसका कि एक्सेस टाइम जो है वो कम होगा। एक्सेस टाइम, उस टाइम को कहते हैं मेमोरी एक्सेस टाइम इज द टाइम बिटवीन स्टार्ट एंड फिनिश ऑफ अ मेमोरी रिक्वेस्ट। मेमोरी ऑपरेशन जो है वो, यानी रीडिंग ऑपरेशन भी हो सकता है, राइटिंग ऑपरेशन भी हो सकता है। देन वी हैव अनदर डेफिनेशन जो मेमोरी साइकिल टाइम, या ये भी मेमोरी को करेक्टराइज करती है। इट इज बेसिकली मिनिमम डिले बिटवीन सक्सेसिव मेमोरी ऑपरेशंस। यानी हमने एक मेमोरी ऑपरेशन किया विच कैन बी रीड एंड राइट, और उसके बाद कितना अर्ली या कितना डिले के बाद, कितने टाइम के बाद, कितने वक्फे के बाद हम दूसरा मेमोरी ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हैं या दूसरा मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग जो कि इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। यानी मेमोरी के करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास दो चीजें हैं, एक मेमोरी एक्सेस टाइम, हाउ फास्ट वी कंप्लीट अ मेमोरी ऑपरेशन, यानी स्टार्ट से लेके फिनिश तक कितने टाइम में वो काम मुकम्मल हो जाता है, और दूसरा जो है दैट इज मेमोरी साइकिल टाइम विच सिग्निफाइज कि दो कंजेक्टिव मेमोरी ऑपरेशंस के दरमियान कम से कम कितना या मैक्सिमम कितना डिले हो सकता है। मैक्सिमम डिले तो हम कुछ भी बढ़ा सकते हैं, इट इज एक्चुअली द मिनिमम डिले कि जिससे पहले हम दोबारा उस मेमोरी को यूज नहीं कर सकते। यानी हमें दूसरा मेमोरी ऑपरेशन करने के लिए वी विल हैव टू वेट, एंड व्हाट इज द मिनिमम टाइम दैट वी वेट फॉर द नेक्स्ट मेमोरी ऑपरेशन। सो वी हैव अ डिजाइन इशू दैट वी शुड हैव अ कंप्यूटर सिस्टम जिसके पास के मेमोरी बहुत ज्यादा हो और उसकी जो स्पीड हो वो दैट शुड बी वेरी फास्ट। स्पीड में हमारे दोनों करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, मेमोरी एक्सेस टाइम भी और मेमोरी साइकिल टाइम भी, एंड देन इट शुड हैव मिनिमम कॉस्ट। सो यू नो दीज थिंग्स आर कॉन्फ्लिक्टिंग कि जब हम मेमोरी को एक्सपेंड करते हैं तो भी कॉस्ट बढ़ती है, हम फास्टर मेमोरीज को खरीदते हैं तो भी कॉस्ट बढ़ती है। तो हमें जो काम करना होता है दैट इज कि कॉस्ट को ऑप्टिमाइज्ड रखें और मैक्सिमम बेनिफिट हम अचीव कर सकें इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड साइज। और उसके बाद हम कुछ मेमोरी टाइप्स की बात करते हैं कि मेमोरी की जो टाइप्स हैं वो क्या हैं। मेमोरी की टाइप्स को हम डिफरेंट एस्पेक्ट में देखते हैं। एक जो टाइप है दैट इज वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। ये क्लासिफिकेशन है जो कि बताती है कि जो मेमोरी आपने लिखी है, रखी है, इज इट कि जब हम पावर ऑफ कर दें तो ये मेमोरी आपको दोबारा, ये जो डाटा है आपको दोबारा रिट्रीव हो जाएगा।
इफ यू सेव समथिंग इन अ मेमोरी और पावर ऑफ करते हैं और दोबारा आप पावर ऑन करते हैं और मेमोरी में से आपको वो चीज रिट्रीव हो जाती है, देन दैट विल बी अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी. वोलाटाइल मेमोरी वो होगी जिसको कि आप पावर स्विच ऑफ करें, पावर स्विच ऑफ करें. वोलाटाइल मेमोरी के केस में इफ यू स्विच ऑफ द पावर योर डाटा इज लॉस्ट. सो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है इसमें जो करेक्टरिस्टिक है मेन वो पावर है कि अगर हम स्विच ऑफ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को या आवर सिस्टम जो कि मेमोरी को यूज़ कर रहा है, स्विच ऑफ करें और डाटा हमें स्विच ऑन करने के बाद दोबारा मिल जाए, वी डोंट लूज एनी डाटा, तो दैट मेमोरी विल बी नॉन वोलाटाइल मेमोरी. अगर स्विच ऑफ करने से, जैसा कि नॉर्मली हमारे कंप्यूटर्स में होता है, इफ़ वी आर राइटिंग समथिंग एंड हमारा एक कॉमन प्रॉब्लम है, बिजली चली जाती है, If we have not saved anything, we will lose that data. वो data actually हमारे पास volatile memory में पड़ा हुआ होता है अभी, उसको हमने non-volatile memory में move नहीं किया होता, तो वो data हम lose कर जाते हैं. Although जो हमारे modern softwares हैं they have auto recovery options, but they recover most of the data, but sometimes you lose a lot of data as well. It depends on the configuration of the system. तो मेमोरी जो है, कहने का मतलब ये है कि मेमोरी जो है दैट कैन बी वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल. वोलाटाइल मेमोरी वो होगी जो पावर ऑफ करने से डाटा को लूज कर दे, उसकी जो स्टोरेज है दैट इज लॉस्ट. नॉन वोलाटाइल में योर स्टोरेज is not lost, जैसा कि आप flash sticks अगर आप use करते हैं उसके अंदर you save your data and it is available whenever you want it, अगर आपकी drive flash drive जो है वो corrupt ना हो जाए. या आप hard disk को भी कह सकते हैं, there are other things जो कि ROMs की बात है, हम we will talk about ROMs as well. They are also non-volatile type, but they are implemented sometimes in different ways as well. जो EEPROMs वगैरह हैं, they don't lose data when they are switched off. But जो memory आपकी computer में RAM लगी होती है, that is volatile memory. रैम के अंदर जो भी डाटा होता है दैट इज़ लॉस्ट अगर आपने उसको सेव नहीं किया जब भी लाइट जाती है या कंप्यूटर सिस्टम आप ऑफ करते हैं. देन वी हैव स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी. ये दोनों वोलाटाइल की फॉर्म में के केस में होंगी, स्टैटिक और डायनामिक मेमोरीज. स्टैटिक मेमोरी जो है इट रिटेन्स डाटा वट एवर इसके अंदर स्टोर किया जाता है, जबकि डायनामिक मेमोरी जो है इट हैज़ टू बी रिफ्रेश्ड आफ्टर. इसका जो डाटा है, डायनामिक मेमोरी का जो डाटा है, इट इज़ रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन पीरियडिकली आफ्टर सर्टन टाइम. अगर मेमोरी की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करें कि मेमोरी को हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तो ऑर्गेनाइज करते हैं, बट हाउ डज अ मेमोरी लुक लाइक? तो ईच मेमोरी सेल होल्ड्स वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. यानी हम इस बात का कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि जो मेमोरीज हैं दे आर एक्चुअली लाइक दिस, कि इसको हम अगर रजिस्टर की फॉर्म में कहें तो इट हैज़ मल्टीपल सेल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर ये 32 बिट वाइड है तो ईच सेल जो है दैट विल कंटेन वन बिट ऑफ मेमोरी. और उसके बाद हम इस तरह से ये जो मेमोरी है इनको इस तरह से ऑर्गेनाइज कर देते हैं. वी हैव दिस रजिस्टर 1, 2, 3, 4 और ये लोकेशन 1, 2, 3, 4 है. तो इट लुक्स लाइक अ टू डायमेंशनल एरे.
सिंस वी डोंट एड्रेस द बिट्स, हम वर्ड्स की टर्म्स में बात करते हैं, तो हम नॉर्मली एक्सेस जो कर रहे होते हैं मेमोरी को, वो वर्ड्स की फॉर्म में कर रहे होते हैं. बट जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज अ सेल विच होल्ड्स वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, हमने शुरू में भी बात की, यहां पे भी यही है. हर रॉ जो है मेमोरी की या इस टू डायमेंशनल एरे की, इट इज कॉल्ड वन मेमोरी वर्ड. ऑल सेल्स ऑफ अ रॉ आर कनेक्टेड टू कॉमन लाइन नोन एज वर्ड लाइन, यानी जो हर रोज हैं दे आर, हर रो है, आई एम सॉरी दोबारा कर रहा हूं, हर सेल ऑफ ए रो जो है दैट इज कनेक्टेड टू अ कॉमन लाइन विच इज कॉल्ड वर्ड लाइन. वर्ड लाइन इज कनेक्टेड टू द एड्रेस डिकोडर, एड्रेस डिकोडर के साथ वो कनेक्टेड होती है वर्ड लाइन जो होती है, ताकि अगर उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो है वो आइडेंटिफाई हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो डाटा है दैट हैज़ टू बी रिट्रीव्ड फ्रॉम दैट मेमोरी लोकेशन, और उस मेमोरी लोकेशन में हमने डाटा लिखना है. सो दैट इज व्हाट इट मींस के वर्ड लाइन इज कनेक्टेड टू एड्रेस डिकोडर. देन सेंस राइट सर्किट्स आर कनेक्टेड टू डाटा इनपुट एंड आउटपुट लाइन्स ऑफ द मेमोरी चिप, यानी इसके अंदर जो यहाँ पे अगर हम इस एरे को थोड़ा सा ज़रा वाज़े तौर पे देखें, तो वी हैव दीज एड्रेस डिकोडर्स, इफ वी हैव दिस फोर बिट एड्रेसिंग स्कीम मे बी, सो इसका मतलब है कि इससे वी विल बी एबल टू एक्सेस 16 मेमोरी लोकेशंस, जो कि आप देख सकते हैं कि वर्ड 0 से वर्ड 15 तक वी हैव दीज वैल्यूज. Each row जो है that has one word which is equal to one byte, हमें यहां से पता चल रहा है कि B0 से B7 तक we have 7 bits, तो एक बाइट है और 16 इसकी locations हैं 0 से लेके 15 तक. Any combination of these will be decoded, and इसका मतलब है कि हम इनमें से कोई एक location जो है वो access करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल केस ले लेते हैं कि अगर हमें 0000 मिलता है, वी गेट अ 000, तो वी आर कनेक्टेड टू दिस लोकेशन, यानी हम इस पहली बाइट के साथ कनेक्ट होंगे और इसके अंदर जो भी डाटा है अब हमें यहां से पता चलेगा कि हम इसको रीड कर रहे हैं, हमने इसको राइट करना है. अगर हम रीड कर रहे होंगे तो डाटा विल नॉट बी चेंज्ड, डाटा जो है ऐसे एज इट इज रहेगा और ये जो वैल्यूज हैं दे विल बी कॉपीड टू द वेयर एवर लोकेशन जहां पे कि हम इसको मूव कर रहे हैं, मे बी द प्रोसेसर ही हो सकता है. अगर हमने इसको राइट करना है तो इसका मतलब है कि वी विल हैव अ सिग्नल फ्रॉम हियर जो कि राइट को सिग्निफाई कर रहा होगा, और जो इंफॉर्मेशन है बिट्स की दैट विल बी सेंट ओवर द वर्ड लाइन और प्रॉपर पोजिशन पे वो डाटा जो है दैट विल बी सेव्ड. सो दिस वे वी कैन हैव द डाटा जो कि इसमें से रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं. दीज आर द डाटा लाइन्स बेसिकली जो कि इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड कर रही हैं. हम जो लफ्ज बार बार यूज करते हैं रैम्स का, रैम जो है दैट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इट मींस के हम मेमोरी को किसी भी लोकेशन पे किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं. इसका जो दूसरा अपोजिट होगा दैट वुड बी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी. इसके बारे में शायद मैंने किसी और लेक्चर में भी जिक्र किया था कि कंपेयरिंग विद रैम वी हैव सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी. तो इनको एक्चुअली वी हैव जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है इट गोज टू
एनी लोकेशन, हम किसी भी लोकेशन से इसको रीड कर सकते हैं. बट सीक्वेंशियल एक्सेस में जैसे टेप ड्राइव है, इफ़ यू रिमेंबर द कैसेट टेप्स जो कि हम रिकॉर्ड के लिए यूज़ करते हैं, म्यूज़िक के लिए, तलावत के लिए, किसी भी चीज़ को सुनने के लिए वी यूज़, या VCR विच हैज़ बिन ऑब्सोलीटेड नाउ, उसकी टेप्स आपको याद होंगी. तो उनमें जो डाटा है दैट इज सेव्ड, बट हमने अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना है तो वी विल हैव टू रिवाइंड और फॉरवर्ड. तो जो उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है दैट उसका जो एक्सेस टाइम है दैट डिपेंड्स ऑन के वेयर दैट डाटा इज लोकेटेड. बट इन केस ऑफ रैम एनी लोकेशन कैन बी एड्रेस्ड, एक्सेस्ड, रिटन विद कंपेरेबल एक्सेस टाइम. यानी उनके अंदर जो एक्सेस टाइम की तो हम बात कर चुके हैं कि उसको रीड करने का या राइट करने के ऊपर कितना टाइम लगता है, यानी मेमोरी साइकिल कितनी देर में कंप्लीट होता है. तो इसका मतलब यह है कि व्हाट इज द इसका सॉरी दोबारा इसका मतलब यह है कि व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीड दैट मेमोरी. और रैम के केस में कहीं भी डाटा रखा हुआ हो, फॉर एग्जांपल अगर दिस इज आवर मेमोरी बैंक विच हैज दिस मेमोरी सेल्स और इट इज कंटिन्यूइंग टिल एंड, तो वेदर द डाटा इज ऑन फर्स्ट लोकेशन और इट्स क्लोजर टू लास्ट लोकेशन, जो इसको रीड करने का वक्त है वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहता है. इसलिए इस मेमोरी को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं. और इसका हमें एडवांटेज भी है बिकॉज नॉर्मली तो हम मेमोरी जो प्रोग्राम को रीड कर रहे होते हैं वो सीक्वेंशियली रीड कर रहे होते हैं, बट जब हम जंप करते हैं वी हैव टू मूव टू अनदर जंप टू अनदर लोकेशन, तो जंप के केस में वी शुड नॉट हैव मच टाइम. अगर द सेम थिंग वाज इन कैसेट टेप तो इसका मतलब है कि जहां पे भी जंप इंस्ट्रक्शन आती तो उसको जंप को ढूंढने में इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है दैट ब्रिंग्स दैट मेक्स आवर लाइफ लिटिल बिट फास्टर. तो सिंस प्रोसेसर्स जो हैं दे यूजुअली रन एट मच फास्टर स्पीड देन मेमोरी एंड वी हैव स्लो मेमोरीज, वी हैव फास्ट मेमोरीज, तो हम क्या करते हैं कि हम उनका कम्बिनेशन यूज कर लेते हैं. जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, आप भी अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में जानते हैं, देखते हैं कि वी हैव कैश मेमोरी. अगर कैश मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में ना हो तो जो कंप्यूटर सिस्टम है दे विल बिकम स्लो, क्योंकि फास्टेस्ट मेमोरी का तो हमने जिक्र किया कि रजिस्टर है, और कैश मेमोरी जो है दैट इज एज गुड एज द सीपीयू रजिस्टर्स आर, बट दीज आर लेवल वन कैश. कैश के मल्टीपल लेवल्स भी लगाए जाते हैं, लेवल वन एंड लेवल टू कैश की भी बात की जाती है. लेवल वन कैश जो है दैट इज एक्सेस्ड एट कंपेरेबल टाइम एज द रजिस्टर्स आर. तो हम व्हेन वी गो फर्दर डाउन मेमोरीज के बारे में तो हम कैश मेमोरीज की ऑर्गेनाइजेशन को भी देखेंगे, बट फर्स्ट हम देख रहे हैं कि किस तरह से मेमोरी एक्चुअली है क्या और उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. तो स्मॉल मेमोरीज जो कि फास्ट होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं, देन वी हैव लार्ज स्लो मेमोरीज और उनके कम्बिनेशन से वी ऑप्टिमाइज द कास्ट, और विद हेल्प ऑफ सम स्मार्ट एल्गोरिदम्स, स्मार्ट टेक्निक्स हम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देते हैं. सो वी यूज स्मॉल मेमोरीज विच आर फास्ट एंड लार्ज मेमोरीज विच आर स्लो, और उनको हम इस्तेमाल करते हैं स्मार्टली टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. सिमिलरली वी यूज कैश मेमोरी टू स्टोर डाटा दैट इज लाइकली टू बी यूज्ड अगेन.
इस सेंटेंस के बारे में हम ज्यादा डिटेल्स उस वक्त देखेंगे जब हम कैश मेमोरीज को एक्चुअली देख रहे होंगे, बट यहाँ पे ये जानने के लिए हम ये देख सकते हैं कि हम जिस डाटा को हम बार बार एक्सेस कर रहे हैं, दैट डाटा जो है दैट कैन बी कॉपीड इन कैश, ताकि हमें बार बार मेमोरी के पास वापस ना जाना पड़े। कैशिंग बेसिकली इसी चीज का नाम है कि जो आप मेमोरी को, जिस डाटा को आप बार बार एक्सेस करते हैं, जिस प्रोग्राम के पार्ट को आप बार बार एक्सेस करते हैं, दैट इज इन द कैश। यही कॉन्सेप्ट जो है आपके जब सर्वर्स यूज कर रहे होते हैं इंटरनेट, वो देखते हैं कि हमारे यूजर्स जो हैं कौन सी साइट्स को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो दे कैश सम मेमोरी विद इन द सर्वर्स, उससे जो उनकी एक्सेस है और ट्रैफिक, उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। यानी यूजर को एक्सेस बेहतर मिल जाती है और कंपनी को या ऑफिस को इट हैज लेस ट्रैफिक आउटसाइड द ऑफिस, और जो नेट है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन जो चेंज हो रही है उसको यूज कर रहा होता है। तो कैशिंग वहां पे भी हम करते हैं। इसी तरह से इफ यू सी, आप गूगल को जब सर्च करते हैं, इट आल्सो टेल्स अस के इट हैज सम कैश्ड डेटा, यानी इसने कैश, इस डेटा को कैश कर लिया है, नहीं कर लिया। वो कैशिंग इसलिए करता है कि यू आर लाइकली, जब आपने सर्च की एक, तो यू आर लाइकली टू एक्सेस दैट डेटा, और इफ इट इज कैश्ड ऑलरेडी तो वो डाउनलोड जल्दी हो जाएगा या वो पेज जल्दी ओपन हो जाएगा। तो कैशिंग का कॉन्सेप्ट जो है, इट इज नॉट बीइंग ओनली यूज्ड इनसाइड द कंप्यूटर, बट आल्सो इट इज बीइंग यूज्ड ऑन नेटवर्क्स एंड इंटरनेट्स एज वेल। हमने स्टैटिक रैम की बात की, एक सेल यहां पे नजर आ रहा है। आई जस्ट वांट टू शो यू के ये सेल किस तरह का नजर आता है। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि आई होप कि ज्यादातर लोग इस इलेक्ट्रॉनिक्स से वाकिफ नहीं है। ऑल्दो के थोड़ी सी यहां पे जिक्र किया गया है ट्रांजिस्टर्स का, बट आई डोंट एक्सपेक्ट दोज थिंग्स के आप को वो मैम, आप जो है उसको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या उस आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इट्स बेसिकली अ सेल, जो कि हम बेसिक फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं। फ्लिप फ्लॉप जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ, अ बेसिक फ्लिप फ्लॉप इज इंप्लीमेंटेड बाय टू ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर इन्वर्टर्स दैट आर क्रॉस कनेक्टेड। ठीक है ना, ये ट्रांजिस्टर्स हैं, ये क्रॉस कनेक्टेड हैं थ्रू इन्वर्टर्स। दिस वे इट हैज सम डाटा, यानी अगर हमारे पास कोई डाटा है तो दैट विल बी देयर, और द सेल इज कनेक्टेड टू वन वर्ड लाइन। वर्ड लाइन का भी हमने जिक्र किया था कि वर्ड लाइन के साथ ये सेल कनेक्टेड हैं। जब इसको हम लो कर देते हैं तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये ऑफ हो जाते हैं, यानी डेटा जो है दैट कैन नॉट गेट आउट फ्रॉम दिस। और जब इस लाइन को हम हाई करते हैं, इस पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो दिस करंट फ्लोज, तो देन वी कैन रीड और राइट दिस सेल। दिस इज बेसिक सेल बेसिकली। जस्ट टू गिव यू फ्लेवर, हम इसको उसी तरह से एज ए ब्लैक बॉक्स ही ट्रीट करेंगे कि इट कैन बी एक्सेस्ड और इट कैन बी मॉडिफाइड। यानी हम इस डाटा को रीड कर सकते हैं, एक्स इज फॉर बिट, यानी जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। हम यहां से इसको रीड कर सकते हैं या इसको इस जगह पे राइट कर सकते हैं। सो इस तरह की जो रैम्स हैं दे आर कॉल्ड स्टैटिक रैम्स, जो कि फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर बेस करते हैं। इनको अगर हम मजीद देखें तो सर्किट्स ऑफ एस रैम, यानी स्टैटिक रैम, आर कैपेबल ऑफ रिटेनिंग देयर स्टेट एज लॉन्ग एज द पावर इज अप्लाइड। यानी जब तक पावर ऑन है, इसके पास जो स्टेट है दैट इज देयर। सो दिस इज वोलेटाइल मेमोरी, because contents are lost when power is switched off.
यानी पावर जब हम ऑफ करेंगे तो वी विल नॉट हैव एनी डाटा, यूजफुल डाटा हमारे पास इसमें मौजूद नहीं रहेगा. इस मेमोरी को, इस तरह की मेमोरी को इन फ्यू नैनो सेकेंड्स, नैनो इज लाइक वन जो नैनो सेकेंड है, दैट विल बी इक्वल टू 10^-9 सेकेंड्स, यानी तकरीबन 1 billionth पार्ट ऑफ अ सेकेंड. जो एक नैनो सेकेंड होगा, तो इट्स फ्यू का मतलब है कि इट शुड बी 5 to 7 नैनो सेकेंड्स. सो इट मीन्स के जो स्टैटिक रैम्स हैं दे आर वेरी फास्ट, यानी अगर हम इतने 5, 6, 7 नैनो सेकेंड्स में एक डाटा रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं तो दैट इज वेरी फास्ट. इट मीन्स के इन 1 second वी कैन हैव दोज लाइक मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शंस. तो एक्सेस टाइम जो है इसका दैट इज वेरी गुड, बट द डिसएडवांटेज विद स्टैटिक रैम्स आर कि ये फास्ट, ये कॉस्टली है. द डिसएडवांटेज जो है कि जो स्टैटिक रैम्स हैं दे आर कॉस्टली, यानी ये महंगी पड़ती हैं. तो जैसा कि हमने बात की पहले कि हम कुछ स्लो मेमोरीज यूज़ कर लेते हैं, कुछ फास्ट मेमोरीज यूज़ कर लेते हैं और उनको मिक्स करके वी गेट गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम अ कंप्यूटर. तो ये चीज़ जो है, दिस कैन बी बेसिकली कैटर्ड बाय, यानी कास्ट का जो इफेक्ट है दैट बाय, that is done by using dynamic RAM. अब dynamic RAM जो है that actually stores data जो है, यानी एक bit वो किस तरह से store करता है कि उसके अंदर एक capacitor है. Those who have learned or heard about capacitors, if you have not learned कि आप capacitor क्या है, capacitor is for your sake of नॉलेज. कैपेसिटर एक दो पैरेलल प्लेट्स हैं. अगर हम इनको किसी बैटरी के साथ, बैटरी सेल के साथ कनेक्ट कर दें तो जो दे विल हैव सम चार्ज ऑन इट. तो जो डायनामिक रैम है वो ये चार्ज के तौर पे मेमोरी को स्टोर करता है. फॉर एग्जांपल वी कैन से के अगर जो सेल है या जो कैपेसिटर है दैट इज चार्ज्ड, तो इट विल बी स्टोरिंग 1. इफ इट इज नॉट चार्ज्ड तो इट इज स्टोरिंग 0. और वी कैन डिफाइन द लेवल ऑफ चार्जेस, दैट डिपेंड्स कि हम उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं. बट सिंपल केस वुड बी कि इट्स चार्ज्ड और नॉट चार्ज्ड. जैसे हम डिजिटल सेंस में बात करते हैं, प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, इट इज देयर और नॉट देयर, कोई दरमियानी स्टेज नहीं है इसके अंदर. तो दैट वुड बी मोस्ट सिंपल इम्प्लीमेंटेशन. तो अगर वो चार्ज्ड है इट इज रिप्रेजेंटिंग 1, अगर वो चार्ज नहीं है इट इज रिप्रेजेंटिंग 0. लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि कैपेसिटर को चाहे आप कोई पाथ ना दें, इसका चार्ज ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में खत्म हो जाता है. यानी अगर आप बैटरी उतार देंगे कुछ देर तो वो चार्ज रहेगा, लेकिन उसके बाद वो चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा. इसका मतलब है कि हमें अगर उसको स्टोर किया हुआ है तो इट हैज टू बी रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन. उसी रिफ्रेशिंग की वजह से हम इसे डायनेमिक मेमोरी कहते हैं कि जो सेल है दैट इज चार्ज्ड. सेल से मेरी मुराद वो कैपेसिटर है
या मेमोरी सेल है, उसके अंदर चार्ज को मेंटेन रखने के लिए या उसकी स्टेट को मेंटेन रखने के लिए वी रिफ्रेश इट अगेन एंड अगेन। अगर आपने रैम्स को खरीदा है तो आप रैम के जब करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वी विल सी द टर्म्स जो कि मैं इस्तेमाल करूंगा कि वो क्या हैं। आप कहते हैं DDR3 है या DDR2 है, DDR2 डायनामिक रैम है विद 70 नैनोसेकंड्स ऑफ रिफ्रेश रेट या रिफ्रेश टाइम, या 70 नैनोसेकंड की डायनामिक रैम है या डी रैम है, या 90 नैनोसेकंड्स की है, या मे बी 50 नैनोसेकंड्स की है, 30 नैनोसेकंड्स की है, व्हाटएवर। इसका मतलब यह है कि वो डायनामिक रैम है और इसे हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। DDR के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि व्हाट इज DDR। तो ये डायनामिक इसलिए है कि इट मेंटेन्स इट्स स्टेट, बट उस स्टेट को मेंटेन करने के करना जो है वो उसको हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर हम उसे रिफ्रेश ना करें तो जो तो वी लूज दैट डाटा। तो डायनामिक रैम स्टोर्स डाटा एज चार्ज ऑन अ कैपेसिटर। दिस यानी चार्ज लीक्स अवे विद टाइम, सो इट मस्ट बी रिफ्रेश्ड। इन रिटर्न फॉर दिस ट्रबल द डेंसिटी इज मच हायर। द कॉमन टाइप्स यूज्ड टुडे आर कॉल्ड सिंक्रोनस डी रैम्स यानी SD रैम जिसे हम कहते हैं, एंड एज इट यूजेस क्लॉक। ठीक है, यानी इसका जो फायदा है हमें क्या है कि इट हैज वेरी स्मॉल स्पेस। ये यानी ये बहुत थोड़ी स्पेस में इम्प्लीमेंट हो जाती है एज कंपेयर टू जो स्टैटिक रैम्स हैं। यानी डी रैम को हम स्मॉल स्पेस में कर सकते हैं और इसकी कास्ट जो है वो निस्बतन कम है। जो कास्ट है दैट इज डिटरमाइंड बाय द ट्रांजिस्टर्स इन अ सर्किट या ट्रांजिस्टर इन एन IC। तो इसमें आप देख सकते हैं कि देयर इज ओनली वन ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर है, जबकि इन स्टैटिक रैम सेल वी हैड टू ट्रांजिस्टर्स जो कि स्विचिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहे थे, एंड इन्वर्टर्स जो यहां पे लगे हुए हैं दे आल्सो हैव ट्रांजिस्टर्स। सो द कॉस्ट ऑफ स्टैटिक रैम विल बी मोर एंड डायनामिक रैम विल बी लेस। एंड द सेकेंड एडवांटेज इज इट ऑक्यूपाइज स्मॉलर स्पेस, यानी इसकी डेंसिटी जो है दैट इज हायर। इट ऑल्सो डज नॉट रिटेन देयर स्टेट इनडेफिनेटली इवन इफ द पावर इज केप्ट ऑन। ठीक है ना, जैसे मैंने पहले बताया कि इसको तो पावर ऑन भी रखें आप तो इसकी स्टेट जो है वो नहीं रह सकती अनलेस इट इज रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली। लेकिन रिफ्रेशिंग जो है वो रीडिंग करने के दौरान भी हम इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, और सिंक्रोनस डी रैम्स जो हैं दे आर द वंस जो के यूज कर रही हैं, जो सिंक्रोनस डी रैम्स हैं दे आर यूजिंग क्लॉक ऑफ द प्रोसेसर, और वो उस रिफ्रेश रेट जो है वो उनका जो भी है उसके ऊपर वो रिफ्रेश होती रहती है। सो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन के इन द नेक्स्ट क्लास ऑन द मेमोरीज, के मेमोरीज की हमने आज बेसिकली जो हमने किया दैट वाज के व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमें मेमोरी की ज़रूरत क्यों है। ऑब्वियसली दिट्स वेरी बेसिक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर से वी एस्टेब्लिश्ड कि जो स्टोर्ड प्रोग्राम है या जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं दे विल बी इन कंप्यूटर्स मेमोरी, एंड देन प्रोसेसर रीड्स फ्रॉम द मेमोरी दोज इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन और उनको एग्जीक्यूट करता है। मेमोरीज की टाइप्स के बारे में हमने देखा, उसके साइज के बारे में देखा कि साइज जो है वो किस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं। तो प्रोसेसर जो है वो जितने बिट का एड्रेस जनरेट कर सकता है उसी लेवल की तकरीबन हम मेमोरी जो है वो उसके ऊपर बना सकते हैं।
यानी अगर वो 10 लाइनें हैं उसके पास एड्रेस की, तो वी विल हैव 1K ऑफ मेमोरी जो कि एड्रेस कर सकेंगे. अगर वी हैव 20 तो इट विल बी 1 MB ऑफ मेमोरी. अगर 30 हैं तो इट विल बी 1 GB. अगर 40 हैं तो इट विल बी 1 TB. तो साइज जो है दैट डिपेंड्स ऑन के व्हाट इज द एड्रेस साइज दैट CPU कैन जनरेट. उसके बाद हमने उसकी टाइप्स के बारे में बात की कि व्हाट आर वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरीज. वोलाटाइल मेमोरीज वो हैं जिनको के हम स्विच ऑफ करें. व्हेन वी स्विच द पावर ऑफ तो वी जो डाटा है दैट इज लॉस्ट. नॉन वोलाटाइल जो है उसमें डाटा जो है दैट इज रिटेन्ड इवन इफ द पावर इज स्विच्ड ऑफ. फिर वोलाटाइल मेमोरीज में हमने दो फर्दर कैटेगरीज देखी कि व्हाट इज द स्टैटिक रैम एंड व्हाट इज डायनामिक रैम. स्टैटिक रैम के बारे में हमने देखा कि इट इज इम्प्लीमेंटेड एट बेसिक फ्लिप फ्लॉप जो कि एक सिक्वेंशियल सर्किट के तौर पे यूज होती है फ्रॉम डिजिटल लॉजिक. उसको हम उस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इट इज दो इन्वर्टर और दो ट्रांजिस्टर्स की मदद से भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. उसमें भी हमने देखा कि इट हैज़ वेरी स्मॉल एक्सेस टाइम, यानी उसका एडवांटेज था कि इट इज़ वेरी फास्ट. हमने डायनामिक मेमोरी जो थी उसको इंट्रोड्यूस किया बिकॉज कि स्टैटिक मेमोरी जो है दैट इज़ कॉस्टली और उसका साइज़ भी ज़रा ज़्यादा होता है. डायनामिक मेमोरी जो है दैट हैज़ लार्जर डेंसिटी, यानी थोड़ी जगह में ज़्यादा हम मेमोरी सेल्स बना सकते हैं और इसकी कॉस्ट भी कम होती है. द डिसएडवांटेज इज कि इसकी पावर ऑन भी रहे तो इसके अंदर से डाटा जो है दैट इज लॉस्ट. उसको देखने के लिए कि डाटा इसका ना जाए हमें इसको रिफ्रेश करना पड़ता है पीरियडिकली. और अगर ये जो स्टैटिक रैम है, ये जो डायनामिक रैम है, अगर ये जो डायनामिक रैम है ये क्लॉक यूज कर रही हो तो हम इसको सिंक्रोनस डी रैम यानी SD रैम कहते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. के हमने इंट्रोडक्शन टू मेमोरीज बेसिकली देखा कि व्हाट आर द बेसिक मेमोरीज, इनकी ज़रूरत क्या है. वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास. यहीं से स्टार्ट करेंगे और वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स virtual memories and cache memories slowly, and we will learn ke hamare computer system mein memory jo hai wo kis tarah se organized hoti hai aur hame agar computer khareedna hai to uske andar memories jo hai wo ki kya characteristics honi chahiye. So that's all for today. It's Allah Hafiz.